आज की वीडियो में हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते अपने डिबेट में किन मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, खामोश हो गई अधिकारों की आवाज़। दूसरा, यूपी पंचायत चुनाव में कोविड से शिक्षकों की मौत को क्यों छुपा रही है सरकार। तीसरा, राज्यों को अधिक कीमत देकर क्यों खरीदनी पड़ रही है कोरोना की वैक्सीन। चौथा, कोरोना पेंडेमिक के बजाय मृतकों की संख्या मैनेज कर रही है सरकार। पांचवा, देश की जरूरत पूरी करने से पहले कोविड वैक्सीन का निर्यात क्यों हुआ। देश में कोरोना महामारी का प्रभाव अभी भी है, इसको लेकर सरकार वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर भी दे रही है, पर टीकाकरण को लेकर कुछ जरूरी बातें रवीश ने अपनी वीडियो में बताई और सरकार द्वारा इस फैसले में देरी को लेकर आलोचना भी की। सवाल चाहे जितने हों, जवाब जवाब की तरह नहीं दिया जा रहा। हमारे सहयोगी परिमल के सवाल का इतना ही जवाब मिला जो कि जवाब था भी नहीं। अलग अलग समय पर सरकार के जवाबों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जवाब देने का मतलब आपको घुमाते रहना है। फरवरी महीने में केंद्रीय बजट में मोदी सरकार कहती है कि टीके की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोटी हेडलाइन छप जाती है, जब स्टेट को ही खरीदना है तो उनके लिए 35,000 करोड़ से जो प्रावधान किया गया है केंद्र क्यों खरीद रहा है। केंद्र 150 रुपए में टीका खरीद कर राज्यों को दे रहा है, क्यों राज्यों को अधिक कीमत पर उसी कंपनी से टीके की खरीद करनी पड़ रही है। क्या केंद्र अपने टीका खरीदने के लिए अलग से फंड नहीं रख सकता था। राज्यों को दिए जाने वाले फंड से राज्य टीका खरीदते। अब जब यह पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा, न दिया जा रहा है, तो उनके पास टीका खरीदने का पैसा कहां से आएगा। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, बिना तैयारी शुरू किया वैक्सीनेशन। दूसरा, कोरोना से कोहराम, ब्लैक फंगस ले रहा जान। तीसरा, शहरों के बाद गांवों में भी रोजगार का संकट। चौथा, कोरोना के केस कम, मौतें ज्यादा। पांचवा, ना टेस्टिंग ना इलाज, गांवों में कैसे जीतेंगे जंग। कोरोना से लड़ने के जो तरीके सरकार ने बताए हैं वे तो जरूरी है ही, पर इसके अलावा वैक्सीन भी जरूरी है जिसकी कमी देश में दिखाई दे रही है। संदीप ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ही डिबेट की और सरकार से इसकी कमी से लेकर देरी तक के मुद्दे पर सवाल भी किए। या यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी वो राजेश भूषण, उन्होंने सबने कहा है कि अगस्त और दिसंबर 2021 के भीतर 216 से लेकर 300 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी और 216 करोड़ ही हमारे लिए काफी है क्योंकि भारत की एडल्ट पॉपुलेशन है 94 करोड़, जिसकी जनसंख्या 94 करोड़ है, वो पूरी तरह से उसका टीकाकरण नहीं। ये तो देखो, तो ये अपने संजू, संजू ये दावे हैं। एक मिनट, ये दावे हैं। दावे तो ये भी किए गए थे पिछले साल 16 मई 2020 तक कोरोना ही खत्म हो जाएगा। दावे ये भी किए थे आपने। एक मिनट, अब सुनिए सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मार्च में कहा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। तो मार्च की बात मानू, अभी की बात मानू, केजरीवाल का दिल्ली का विज्ञापन का बजट कितना है? 822 करोड़ में दिल्ली की 1 करोड़ जनता को निशुल्क वैक्सीन। नहीं, महाराष्ट्र ने क्यों रोका और कर्नाटक ने क्यों रोका, संजू? अब बात गोदी मीडिया के एंकर्स की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, महामारी पर सियासी तैयारी, देखिए दिग्गज मंत्रियों की टक्कर। दूसरा, कोरोना की लड़ाई तानाशाही पर आई, पीएम मोदी पर कठोर ममता। तीसरा, सियासत से जनता को मिलेगी राहत, कोरोना काल इंटरनेशनल बवाल। चौथा, बंद करो राजनीति, महामारी है सियासत जारी है। पांचवा, सीबीआई का एक्शन, सियासी कनेक्शन। नराडा केस में कार्रवाई से भड़की दीदी, जहां एक तरफ का मीडिया सरकार से तीखे सवाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमीश देवगन ममता बनर्जी के मोदी सरकार के आलोचना वाले बयान को लेकर डिबेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर आमने सामने है, या फिर कहें तो टकराव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए 10 राज्यों के
54 कलेक्टर के साथ संवाद किया। बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, शामिल थे। हालांकि बैठक में मुख्यमंत्रियों से संवाद का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, लेकिन इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमले की झड़ी लगा दी। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों की को कठपुतली की तरह बिठाकर रखा गया, हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है। ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि बैठक में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के डीएम को बोलने का मौका मिला। सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्रियों के बोलने का कार्यक्रम था ही नहीं और ममता बनर्जी को पहले से सब कुछ मालूम था, फिर यह सियासी बखेड़ा क्यों खड़ा कर दिया गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार दीपक चौरसिया की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, भारत को क्या पाक के आतंकी ठिकानों पर हमला करना चाहिए? दूसरा, आतंक पर प्रचंड प्रहार। तीसरा, महामारी में टूलकिट पर महाभारत। चौथा, कोरोना काल में साजिश की टूलकिट क्यों? पांचवा, बंगाल की राजनीति में नया तूफान कैसे आया? कोरोना महामारी के वक्त भी दीपक चौरसिया पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट करते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं वे इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। आज हमने जो मुद्दा बनाया है वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भपकी दी है। आज किसी मेरे राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, ना हैसियत ना दम लेकिन फोड़ेंगे एटम बम। ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सही है। भारत को क्या पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करना चाहिए? 70% लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इजराइल ने किया हमास के साथ, ठीक भारत को भी पाकिस्तान के साथ वैसा ही करना चाहिए। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो वहां की संसद है, पाकिस्तान की संसद, उसमें भी चर्चा हुई और बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। वहां पर पाकिस्तान के MP मौलाना चित्राली ने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीन और कश्मीर की समस्या का हल करना है तो वहां पर एटम बम गिरा दो। क्या कुवत है पाकिस्तान के अंदर एटम बम गिराने की? और पाकिस्तान ने अगर एटम बम गिराया तो उसके बाद क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर बचेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, लेकिन अगर किसी ने हमारे खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल किया तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। आपने खुद ही देख लिया कि कौन किन मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी समझता है। गोदी मीडिया भले ही जैसी भी खबरें दिखाता रहे, हम आप तक सही और अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.